नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रमा एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत निर्जला रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप फलाहार खाकर भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एकादशी के व्रत में आप पानी, चाय या कॉफी भी पी सकते हैं। साथ ही एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबुदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि का सेवन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप एकादशी की पूजा बिना व्रत के भी कर रहे हैं तो इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन ना करें। अगर आप व्रत रखकर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में परिवार के किसी सदस्य को इन चीजों का सेवन नहीं करना है। ध्यान रहे, रमा एकादशी के दिन लकड़ी के दातून का इस्तेमाल ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में अगर आप तुलसी दल का इस्तेमाल रमा एकादशी की पूजा में करना चाहते हैं तो तुलसी दल को एक दिन पहले ही पौधे से तोड़ लें। रमा एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन ना करें। साथ ही रमा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान जरूर चढ़ाएं, लेकिन इस दिन पान खाना वर्जित है। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। साथ ही भगवान को चढ़ाए हुए भोग को प्रसाद स्वरूप जरूर ग्रहण करें, लेकिन इस दिन भोग में तुलसी दल को छोड़कर ही आपको बाकी का प्रसाद खाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।